इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने एजम्पशंस को लिखा होगा। तो इसका जो आंसर वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि था क्या वो कांस्टेंट था, यानी सीआरएस पे था, लेकिन जो इंडिविजुअल फैक्टर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू सेल्स, डीआरएस पे है। टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, एमपीपी, इस पे बात हुई है। तो जो आंसर है वो क्या है इसका, सी। इस पे आ जाए, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव, ये तो सीधी बात है। इस पे आ जाए, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सीवीटी का है। इन द सोलो ग्रोथ मॉडल इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज स्टेबल बिकॉज, बताइए पहली बात कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है के बाई एल वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो जहां जहां पे इंक्रीज प्रोपोर्शनल दिखाया है, अच्छा इंक्रीज प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, के बाई एल इस पॉइंट पे और के बाई एल इस पॉइंट पे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सेम सेम थ्री सेम, ये का जो रेशियो है और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर सेम होना चाहिए, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या होती है एक्स एक्सिस पे, वो सेम होती है, यानी वो प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बता, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल लेबर रेशियो एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट वेज रेशियो, ये तो बकवास है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल लेबर रेशियो एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट वेज, तो कांस्टेंट कहाँ है, ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट ये कांस्टेंट चलता ही रहेगा। ये हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल जो लग रहा है और जो लेबर का रेशियो, लेबर कैपिटल लेबर रेशियो सेम ही रहेगा, लेकिन सपोज करें कि यहाँ पे 100 लग रहा है 5 लेबर, यहाँ पे जो पॉइंट है 200 लग रहा है 10 लेबर, यहाँ पे सपोज करिए कि 400 लग रहा है और लेबर कितने हैं 20 लेबर, तो जो कैपिटल लेबर रेशियो वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हमारे लेबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल भी बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, मॉडर्न आउटपुट एनालिसिस ड्यू टू द इनपुट आउटपुट, तो ये वो दिया है ना, लियोन डिफ लाइनर प्रोग्रामिंग भी वही दिया है, लग रहा है वो नहीं दिया है, दूसरा को दिया है क्या, DUNGT करके कोई है वो दिया, मुझे लग रहा है। इस पे आ जाइए, इन द सोलो मॉडल इफ द कंट्री इज ए स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम अर्थक्वेक कॉसेस वाइड सेपरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक, पहले ग्राफ बनाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बताया हम उस टाइम का, आप जब पूछे थे तो, और उसका आंसर सही बताया गया आपको। एन प्लस डी वाई इक्वल फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो सेविंग रेट, सपोज करिए कि ये स्टार है, अब हो क्या गया, अब कह रहा है कि आ गया अर्थक्वेक, भूकंप आ गया है, और भूकंप आने से कैपिटल स्टॉक में लॉस हो रहा है, कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये कम हो गया है, तो कम होने का मतलब क्या होगा सर, अगर लॉस हुआ तो रिक्वायर्ड ज्यादा होना चाहिए ना। अरे भैया रिक्वायर्ड ज्यादा होना चाहिए नहीं है, कैपिटल स्टॉक को ही तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कहा गया है, एक बार देखिए ना,
अब भूकंप आने से इसकी संख्या कम हो जाएगी ना। अरे भाई ये है क्या, एन प्लस डी इंटू के, यानी एन कम हो जाएगा ना, भूकंप आएगा तो लोग मरेंगे ना, और जो कैपिटल है उसका भी लॉस होगा। तो इस केस में जो ये लाइन है वो किधर को जाएगी, डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड नहीं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी ना, इसकी वैल्यू कम होगी। जब इसकी वैल्यू कम होगी, यानी ये बता क्या रहा, स्लोप ही तो बता रहा है। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या, स्टीप। तो उससे होगा क्या, स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? इसकी वैल्यू कम होगी तो, जब इसकी वैल्यू कम होगी तो फ्लैट होगा ना जी। यस सर, स्टीप होगा। तो मैं गलत बता दिया ना, जब इसकी वैल्यू कम होगी तो वो स्टीप थोड़ी होगा, वो तो फ्लैट होगा। यस सर, वो फ्लैट होगा। सपोज करिए कि फ्लैट होके और ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ जा रही है, फिगर सही नहीं बन रहा है। अगर फिगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सपोज करिए कि एन की वैल्यू कम हो गई और ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, के स्टार इनिशियल है। अब जो यहाँ पे इनकम आ रही है इसके रिस्पेक्ट में, पर हेड जो इनकम है वो क्या हो गई, ज्यादा इंक्रीज, वो ज्यादा से बढ़ गई। और जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी, यानी मूव करते करते अगर सपोज करी यहाँ पे आएगी तो पहुंचे कहाँ पे, स्टेडी स्टेट में। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर उस टाइम भी हमने यही बोला था, और ए है भी। आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड द कंट्री विल एंड अप एट ओरिजिनल स्टेडी स्टेट। ए टू टू अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हुआ है, और इसके पीछे ये रीजन है। ये आप बताइए ये क्यों लिया गया है, इसमें सोलो है इसलिए। हर्समैन क्या बताते हैं, अनबैलेंस रिलेटेड है। तो वन वाला यानी ये बाहर कर लीजिए, दो और तीन पे विचार करिए, तो हमें लग रहा है कि जो सिंगर जो है वो हर्समैन के साथ ही रहते हैं क्या। एक बार आप लोग देखिए तो बताइए क्या होगा। इसका एक बार देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है इसका आंसर। हमें लग रहा है कि यही है क्या, एक और दो, ये डी होगा सर, डी होगा, डी होगा, तो फिर डी है। रेगनर नक्शे वो बैलेंस्ड से हैं, याद रखिएगा वो बैलेंस है। तो फोर आप हटा दीजिए, फोर तो ऐसे ही हट गया, हमसे अनबैलेंस पूछा गया ना। थ्री सिंगर हैं और जो टू है वो रॉबर्ट सोलो है। तो रॉबर्ट सोलो किससे रिलेटेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ से है या स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना। देखिएगा इसका आंसर आप लोग चेक करिएगा एक बार, इस पे आइए। Which of the following is true, the prediction in investment growth link by Harold Omer, यापी का है, CUET का ही है। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देके बोला है, बाकी लोग बताइए। सर ए होगा, परफेक्ट ए होगा, क्योंकि हम जोर जोर से इस चीज को जोर दे के बोल रहे हैं। कैपिटल एक्युमुलेशन नियो क्लासिकल का जो सबसे बड़ी चीज है, जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होता है, उसके पीछे रीजन है कैपिटल एक्युमुलेशन। क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी जो भी है उसमें भी कैपिटल एक्युमुलेशन मेजर रोल प्ले करता है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के लिए,
इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो दोनों ने लिया क्या है, कैपिटल एक्युमुलेशन को, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए है। यहाँ पे नो बोल दे रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक का बता रहा है और दूसरे का लॉन्ग टर्म नहीं बताता है, जबकि दोनों जो मॉडल है हेरल्ड ओमर एचडी और सोलो वो दोनों लॉन्ग टर्म की ही बात करते हैं ना, तो इसलिए इसका है। ये भी सीयूईटी का ही क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मीन्स दैट, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए आप लोग, ए, बाकी लोग बोलिए। ये जो क्या है, ये जो टर्म है, अभी मैंने बार बार ऊपर बोला है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि नॉट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल पर हेड, यानी यहाँ पे के बाई एल का जो रेशियो है और यहाँ पे वाई बाई एल का जो रेशियो है वो सेम रेशियो से चलेगा। यानी क्या है, नॉट अफेक्टेड किसके द्वारा, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इन इकोनॉमी डज नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट पर वर्कर, पर हेड वर्क आउटपुट और पर हेड कैपिटल। तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब ये, बाकी ऑप्शन तो गलत बता रहे हैं ना, ऑल इकोनॉमी हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर, ये तो ऐसे ही गलत बात है। स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी बकवास है। द सेविंग रेट इक्वल द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये भी सारी चीजें गलत है। ये इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल के पीछे रीजन है कि जो भी यहाँ पर रेशियो बन रहा है कैपिटल और लेबर का, वो कांस्टेंट रेट से चल रहा है और ये वाई बाई एल। यानी जब हम ये डिवाइड कर रहे थे तो कांस्टेंट रिटर्न के पीछे रीजन क्या था, इंडिविजुअल का तो वो डिमिनिशिंग था, लेकिन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका सीआरएस है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो आउटपुट लेबर रेशियो के, इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, ये दोनों सेम हो जाएगा, बट ये जो रेशियो वो सेम ही रेशियो से चलेगा। अगर इसका जो रेशियो फिक्स हो गया और इसका जो रेशियो फिक्स हो गया वो सेम ही रेशियो से आगे चलेगा, इसलिए इसका ए ठीक है। आइए इस वाले पे, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बंगाल सेट का क्वेश्चन है। कंसीडरिंग टू इनपुट्स कैपिटल लेबर, मॉडल कौन सा है, सोलो, अच्छा सोलो रेजिडुअल विच इज टेकन एज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस रिफर्स टू, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। सर बी, परीक्षा बताइए। एक मिनट, कितने लोग हैं नंबर में, सर ए, ए होगा क्या सर, बिल्कुल ए होगा, इसमें सोचना क्या है। सोलो रेजिडुअल में मैंने बताया क्या था, वो सर टेक्नोलॉजी की वजह से आउटपुट बढ़ता है, लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी अब जो आउटपुट है वो 90 का आ गया, नोट देखिएगा। yes, इसी को मैंने बोला क्या था, सोलो रेसिडुअल, तो बोल क्या रहा है, ग्रोथ इन आउटपुट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, नॉट बी एक्सप्लेन्ड By growth in capital and labor. बस समझ में आ गई? Yes, sir. और यहाँ पे केवल लेबर, ओनली कैपिटल, ग्रोथ इज
ग्रोथ इन आउटपुट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ग्रोथ इन डिमांड. ये तो फालतू का, ये तो कोई मतलब ही नहीं. तो आ गया ना समझ ये क्वेश्चन? यस सर. आइए इस वाले पे. इसको डबल लिया गया क्या? डोमर हैरेट जॉन रॉबिन्सन सोलो, यही ना सोलो है? यस सर. तो क्या क्या हो जाएगा? ए का तीन कर लीजिए, इसको इसको बाहर कर दीजिए. ये जॉन रॉबिन्सन का ना हैरेट का, ये डी का आप दो कर लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे. आ जाइए इस पे. एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है बीन डेवलप्ड बाय, सोलो तो ऐसे ही नहीं है, लुकास और रोमर और एरो भी है. ओके एरो भी आप बच्चे इसमें ऐड कर लीजिएगा. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो ये एरो ने दिया है. तो जैसे ही चार को आप बाहर करेंगे तो ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन, अब इस पे फोकस करेंगे तो जो एरो है वो भी इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल का ही पार्ट है, इसलिए जो आंसर इसका है सी. अच्छा इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में डिफरेंस क्या है? मैं पूछते जाता हूं, आप क्या बताओगे? सर एक्सोजीनियस में टेक्नोलॉजी सेविंग पॉपुलेशन रेट ये सब आउटसाइड द मॉडल डिटरमाइन होती है, और इंडोजीनियस में जो फैक्टर्स होते हैं लाइक कैपिटल स्टॉक इनोवेशन ह्यूमन स्किल्स ये सब विद इन द मॉडल डिटरमाइन होते हैं. जैसे अगर वही चीज है, वही बात है, सही बात है, यानी जो भी फैक्टर्स है जो इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं वो विद इन द मॉडल डिटरमाइंड होंगे. जैसे टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड करेगा स्किल पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, इनोवेशन पे, कैपिटल स्टॉक पे, तो ये मॉडल में ही डिटरमाइन हुआ. तो ये इंडोजीनियस हो गया, मैंने ऊपर बात करा है बड़े अच्छे से इस चीज़ को, अगर याद होगा सबको तो उसमें तो कुछ है नहीं. तो इसका जो है, और जो एक्सोजीनियस है उसमें टेक्नोलॉजी यानी वाई इक्वल फंक्शन है टेक्नोलॉजी सेविंग रेट, और एन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ इन लेबर, इस पे तो डिपेंड कर रहा है इनकम, लेकिन जो सेविंग रेट है टेक्नोलॉजी है ये डिटरमाइंड नहीं कि ये कैसे से किस रेट से बढ़ेगा, ये डिटरमाइन है, इसलिए क्या हो गया ये एक्सोजीनियस. और सोलो और हैरेट डोमर जो मॉडल है वो क्या है? एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है ना? यस सर. आ जाइए इस पे 27 पे. सोलो मॉडल इज अ मेजर इंप्रूवमेंट ओवर हैरेट डोमर मॉडल. सोलो बिल्ट ए मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ विदाउट, ध्यान रखिएगा, विदाउट द अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन. अच्छा फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लियोंटीफ प्रोडक्शन फंक्शन. एग्जैक्टली सुपर, लियोंटीफ प्रोडक्शन फंक्शन. तो सोलो यही यूज करता है? नो सर नहीं, नहीं यूज करता. कॉब डगलस यूज करता है. कॉब डगलस यूज करता है. सोलो कौन सा यूज करता है? वाई इक्वल या क्यू इक्वल ये यूज करता है. सीआरएस वाला, सीआरएस वाला यूज करता है. तो बताइए कौन सा आंसर होगा? डी. नहीं नहीं सॉरी सॉरी सी. हाँ सी सॉरी. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. ये वाला ऑप्शन क्या वाला? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन. तो जो इसका आंसर है वो सी हो जाएगा. बोथ ठीक है, है ना? समझ आया ना सबको? यस सर. यस सर. आ जाइए. कई तो है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आता है, नहीं आएगा. इन सोलो मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ, नीचे ये क्या है? लेबर कैपिटल रेशियो, ठीक तो है, चेंज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये फंक्शन यानी ये बोल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी इसको अगर आप बढ़ाओगे वाई बाई एल, ये फंक्शन ऑफ के बाई एल,
चेंज इन आउटपुट रेशियो होता है, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। टेक्निकल प्रोग्रेस ये भी बाहर, कैपिटल आउटपुट रेशियो ये भी बाहर, तो बचा क्या? ये फंक्शन किसका होता है? फंक्शन आपके इस्तेमाल के, और ये होता क्या है? लेबर कैपिटल रेशियो, ठीक है ना? हालांकि इसको मुझे लगता है इसको लिखना चाहिए के बाई एल के टर्म में, लेकिन पता नहीं क्यों लिखा गया ऐसा। कैपिटल लेबर रेशियो लिखा जाना चाहिए था, आ जाइए इस वाले पे 97 पे, ये भी सीयूटी का ही है। बताइए सोलो मॉडल को ध्यान में रखिए और बताइए कि कौन सा सही है। वेल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज द देन द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, सी शिफ्ट्स अपवर्ड, सी होगा स्लोप बढ़ रहा है ना। अरे भैया ये सपोज करें कि 40% है, yes. अब हम सपोज करें कि 80% हो गया, तो ये ना बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये है ना इक्वल फंक्शन ऑफ स्मॉल के, ये कहाँ चेंज हो रहा है? वो, ये तो अब हायर लेवल ऑफ पर हेड आउटपुट बताने लगेगा ना। स्मॉल K1 K1 है, अब ये जो हमें बताएगा वो हायर Y2 पे बताएगा, हायर पर हेड आउटपुट हमें बताएगा, है कि नहीं? तो जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो शिफ्ट हो रहा है, तो जहां जहां शिफ्ट है उसको आप बाहर कर लीजिए। और ये क्या बोला है कि बिकम लाइनर एंड स्लोप डाउनवर्ड, तो स्लोप डाउनवर्ड होगा कभी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका। वैसे हॉरिजॉन्टल कैसे? रिमेंस कांस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब कि ये जो लाइन है वो बिकम ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये है भाई शिफ्ट तो होगा नहीं, पहली बात शिफ्ट तो होगा नहीं, तो उसको आप बाहर कर लोगे। बीकम लाइनर, लाइनर होता है, लाइनर का मतलब क्या है? तो ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है इस पॉइंट, अगर इसको आप कनेक्ट करोगे तो कांस्टेंट तो होगा ही होगा, तो जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब बीकम हॉरिजॉन्टल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़े। हेलो, यस यस, अरे भाई बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना, आ जाइए इस वाले पे। जेएनयू का क्वेश्चन है, प्रीसा बता ना। ये सर ये तो अभी किया था, सेम ही है सर, ये वाला मतलब ठीक है ना? यस सर, ओके सर, हो गया। ये जेएनयू का, अच्छा ये नेट में भी आया और जेएनयू में भी आया, सेम ही चीज है। हो गया ना? यस सर, इसका ये भी जेएनयू का है। इंप्लाइज दैट इफ देयर फोर्स ओवर कंट्रोल इज कांस्टेंट फ्रैक्शन दैट थिंग्स कांस्टेंट कंट्रोल, बाकी चीजें समान रहे, यानी सेटस पेरिबस का मतलब क्या है? कि कांस्टेंट है दैट सब कुछ, सेविंग रेट के बाय एल ये तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, ये भी इक्वल है, डेप्रिसिएशन रेट है ना। सेटस पेरिबस का मतलब कि जो भी फैक्टर्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के लिए, उसमें से केवल लेबर फोर्स को छोड़ के सभी कांस्टेंट। सेटस पेरिबस का मतलब यही,
हमसे पूछा जा रहा है कि इंप्लाइज द लेबर फोर्स इज अ कंट्री द कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन टू एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स. गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ये मैं फिगर बना रहा हूँ. आप लोग भी फिगर बनाइए और फिगर पे इसको कोशिश करिए जितने भी लोग हैं. कैन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स यानी एन की वैल्यू हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? वाई बाई एल इन द लॉन्ग रन. तो आप हमें ये बताइए कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो होगा क्या? y डिक्रीज हो जाएगा, y अपॉन l यानी स्लोप स्टीपर हो जाएगा सर, स्लोप स्टीपर हो जाएगा, यानी जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा? पर हेड कम हो जाएगा. y / l जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा. कम होगा, लेकिन इसमें बता क्या रहा है? पर सर ये काम तो शॉर्ट रन में होगा ना, क्योंकि लॉन्ग रन में तो वो वापस आ जाएगा अपने स्टेडी स्टेट पॉइंट पर. तो बट 60 रन में तो फ्रैक्शन पूछ रहा है ना कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन. पूछ कर रहा है कि इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ग्रोथ रेट. लॉन्ग रन में होगा ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रोथ आएगा लॉन्ग रन में. नो सर भाई, जब आप इनकम एन की वैल्यू बढ़ा देंगे तो उससे होगा क्या? पर हेड इनकम रिड्यूस हो जाएगा ना लॉन्ग रन में. तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं सर, लॉन्ग रन में आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे लॉन्ग रन में. ये ऑप्शन ठीक है? मुझे तो नहीं लग रहा है ठीक है, गलत है. भी लग रहा है ठीक. एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द लॉन्ग रन. जो यही चीज है. पर सर लॉन्ग रन में तो वो रीस्टोर हो जाता है ना. इसमें रीस्टोर तो हो जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ पे हैं, लेकिन इस बार इसको छेड़ा जा रहा है ना. तो जब इसको छेड़ा जाएगा तो यहाँ पे अब लॉन्ग रन आएगा ना आपका स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के. डबल स्टार कर लीजिए, के टू कर लीजिए. नहीं बात समझ में आ रही है? सपोज करिए कि आप यहाँ पे हैं, डिप्रिसिएशन रेट आपका ठीक है, रिक्वायर्ड जो कैपिटल स्टॉक है वो गिवन और कांस्टेंट है यहाँ पे. और सपोज करिए कि आप इस पॉइंट पे हैं तो आप मूव करते यहाँ पे पहुंचेंगे. आप मूव करते सपोज करिए कि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ से आप मूव करते यहाँ पे आएंगे. लेकिन इस बार हो क्या रहा है? ये जो लाइन है वो चेंज हो जा रही है. तो यहाँ पे बाइसेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है ना, पहले तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अब इसका जो लॉन्ग रन है ये हो जाएगा. लॉन्ग रन में ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम हो, क्योंकि जो सेविंग लाइन है एस वाई वो इसको सपोज करिए कि ए पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, पहले बी पे कर रही थी. नहीं बात समझ आ रही है? इसलिए लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी ये वाई बाई ए लेवल रिड्यूस होना स्टार्ट होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ये क्या बोल रहा है? नो इफेक्ट ऑन ग्रोथ लॉन्ग रन में. नो इफेक्ट तो कोई चांस ही नहीं है. इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स समटाइम हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड समटाइम हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. ये तो फालतू का क्वेश्चन है, ये क्या आगे पीछे चल रहा है? ये तो इस पे आ जाए 13 पे. समझ आया ना सबको? यस सर. ये मेजर कंट्रीब्यूशन टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ आर मिल्टन फ्रीडमैन को आप बाहर कर लीजिए. मुझे लग रहा है चेंबरलिन को ऐसे बाहर करिए, चेंबरलिन को बाहर करिए तो ये बाहर हो जाएगा. और मिल्टन फ्रीडमैन को भी बाहर करेंगे, वन एंड टू करेक्ट, वन एंड टू हो जाएगा करेक्ट. मुझे लग रहा है
इस पे आइए. Among the following is the reason of convergence exhibited by the solo growth model. Static capital labor ratio, KYL का जो रेशियो कांस्टेंट है वो पहले ही बात हुई गई है.